Hello everyone and welcome to my channel. So in today's DIY I'm going to share a best out of waste idea on how we can repurpose a paint can or an adhesive can. So let's get started. यहाँ मैंने यूज किया है ये adhesive का can. आप इसकी जगह पेंट कैन भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें मैं ग्लूगन के हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ ये रोप. ये रोप आपको किसी भी जनरल हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी, लोकल हार्डवेयर शॉप में, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं. मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. मूविंग ऑन टू द रिम पार्ट, यहाँ पे मैंने रिम में थोड़े से अलग तरीके से रोप को रैप किया है सो दैट कि बाहर से ये बिल्कुल पता ना चले कि ये पेंट का कैन है. एंड इसमें मैंने रोप से ही एक छोटा सा स्वर्ल बना के भी लगा दिया है. पॉट को थोड़ा और लाइवली और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्टेंसिल यूज़ करूँगी. मैं यहाँ पे स्टेंसिल बनाने के लिए फेल्ट शीट यूज़ कर रही हूँ. फेल्ट शीट फोम के जैसा होता है एंड इट एब्जॉर्ब्स कलर और इससे काफ़ी अच्छे से स्टैम्पिंग होती है. तो इस तरीके से हम घर पे स्टैम्प बना सकते हैं. एंड मैंने यहाँ पे दो लेयर यूज़ किया है फेल्ट शीट का और मैं इसे एक बॉक्स में अटैच कर रही हूँ एंड इसे मैं सूखने दूँगी एंड उसके बाद मैं स्टैम्पिंग करूँगी. कलर कॉम्बिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन. पहले मैं डार्क ग्रीन से सारी स्टैम्पिंग कर लूँगी. रैंडमली यहाँ पर मैंने 3-4 लीव्स स्टैम्प किए हैं एंड यू कैन सी द वीडियो कि किस तरीके से मैंने स्टैम्पिंग की है. लीव्स को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे उनमें बॉर्डर किया है. डार्क ग्रीन के लिए मैं ब्लैक बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ और जितने भी लाइट ग्रीन लीव्स हैं उनमें मैं नियॉन ग्रीन से आउटलाइन करूँगी. Thank you.
Lastly, you can decorate it further using some laces. तो मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा ट्राइकलर टच देने के लिए ऑरेंज लेस यूज़ किया है और थोड़े बहुत स्टड्स भी आप लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू. सो हियर इज द फाइनल लुक. आई होप आपको ये DIY पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब सो दैट कि आपको आगे भी मेरे वीडियोस दिखते रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.